तो स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। समास क्या मतलब, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास के कितने भेद हैं और इनका किस में उपयोग किया जाता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से नए शब्द बनते हैं, उन्हें समास कहते हैं। यानी समास का वास्तविक अर्थ होता है शब्दों को पास पास बिठाना, कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक अर्थ प्राप्त करना। जैसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। जैसे पाठशाला, अब पाठशाला को अगर हम अलग करें तो पढ़ने के लिए शाला इतना लंबा हो गया, उनको साथ साथ बिठाया तो क्या बन गया, समास पाठशाला। अब है समास के भेद। इसके छह भेद हैं। नंबर वन, अव्ययी भाव समास। नंबर दो, तत्पुरुष समास। नंबर थ्री, कर्म धारय समास। नंबर फोर, द्विगु समास। नंबर फाइव, द्वंद समास। नंबर सिक्स, बहुव्रीही समास। ये थे समास छह प्रकार के। अब इनके बारे में अपने पढ़ेंगे आगे। पहला, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है तो समस्त पद अव्यय हो जाता है। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत। अपने शॉर्ट में बोलते हैं, यानी शब्दों में जोड़कर आजीवन, जीवन पर्यंत लगातार चलते रहना या प्रतिदिन।
नंबर दो तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और कर्म से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर। अब ये शब्दों को पास पास बिठा दिया, रसोई घर। अब इसमें जो पूछा है कि कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की जितनी भी विभक्तियां आती है लोप हो जाती हैं। जैसे अब मैं इसको लिखूंगी, रसोई के लिए घर। अब ये जो विभक्ति थी लोप हो गई, रसोई घर। ये था दूसरा। अब थर्ड, कर्मधारय समास। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष बताता है। जैसे श्वेतांबर। अब इसको श्वेतांबर बोलते हैं, अलग करेंगे तो कैसे? श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, ये विशेषण और ये विशेष बता रहा है। अंबर क्या? श्वेत है। नंबर फोर, द्विगु समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा एक पद संख्या वाचक और दूसरा पद समूह वाचक। होता है जैसे त्रिलोक। अब इसको अलग करेंगे, तीनों लोकों का समूह। अब ये समूह भी बता रहा है और संख्या भी बता रहा है, त्रिलोक तीनों लोकों का समूह। ऐसे ही चौराहा, चार
राहों का समूह। संख्या बता रहे हैं और समूह भी बता रहे हैं। नेक्स्ट, फिर द्वंद समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय एवं या तथा और का प्रयोग होता है। जैसे वाही बहन, अब इसमें और लगाना है, वाही और बहन। दाल रोटी, दाल और रोटी। ये और लगाओ या तथा एवं, जैसे पक्ष विपक्ष, पक्ष या विपक्ष, ऐसे ही शब्द बनाए जाते हैं इसमें द्वंद समास में। अब है लास्ट, बहुव्रीही समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी अन्य पद के विशेषण का कार्य करते हैं, यानी किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। जैसे पीताम्बर, अब पीत है अंबर जिसका, कृष्ण, यानी पीताम्बर पीत है अंबर जिसका कृष्ण, यानी किसके लिए प्रयोग हो रहा है, भगवान के लिए। अन्य किसी पद की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही दशा नन, दस आनन है जिसके, रावण। कर्मधारय समास और बहुव्रीही समास में यही अंतर है, उसमें भी पीताम्बर बताया जाता था, जैसे श्वेताम्बर, दशानन, ये भगवान के लिए होता है और वो विशेषण और विशेषता के लिए होता है। ये थे समास, आज हमने समास के बारे में पढ़ा और जाना, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।